बात है, जल्दी जल्दी कैमरा ऑन करिए सभी। All set. और अब हम लोग रेडी हैं, पुशअप से शुरुआत करेंगे। रिदम बना रिद्धि हर्ष शोभा, पुशअप से हमारी शुरुआत होगी। तो ये अपने हिसाब से हम लोग पुशअप लेंगे, हाफ फुल जैसे भी ले पाए। तो देखिएगा जो लोग बिल्कुल बिगिनिंग में उनके लिए पहले ये वाली पोजीशन लीजिएगा, शोल्डर्स के बराबर गैप, आर्म्स में और नीज में पीछे पैरों का लॉक लगा लीजिएगा। और अब थोड़ा सा गैप बढ़ाकर हाथ और पैरों के बीच में सामने की निगाहें रखिए। एंड देन यू ट्राई टू टच योर चेस्ट एंड कम अप। करेगा, दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू इन पुशअप। एल्स फुल पुशअप में हम आगे जानते हैं क्या करना है। Half and full. Namaste, namaste, Bansi. Just try to begin with the half push-up. Go on. Well done. 10, 10, 2 sets. Yani total 20. Well done. Go on. करते रहिए विवेक भाई। वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। करिए दिगंबरा, जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट। आइए आइए हिमानी, जल्दी आइए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। करिए कोशिश करिए जी। नमस्ते नमस्ते सिमरन, जल्दी। दो सेट्स हम लोग ले रहे हैं, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, हाफ एंड फुल। और ये भी देखेंगे जो हाफ उन्हें कंफर्टेबल है लेकिन फुल की तरफ बढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। एक बार फिर देख रहे हैं शोभा और तमरा, ये वाली पोजीशन थी आप, एंड आपकी निगाहें सामने की ओर, एंड यू वर ट्राइंग टू टच योर चेस्ट विद द फ्लोर। जो इसमें कंफर्टेबल हो गए हैं, पैरों में वो शोल्डर्स के बराबर गैप लेंगे, बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे और सिर्फ हाफ नीचे आएंगे इतना, और यहीं से वापस। नमस्ते सर। वापस। नमस्ते नमस्ते सोनिया मैडम। Give your best, Bansi, try to do it. Simran, chest touch kariye. Chest touch kariye ga. Well done. All right, two sets complete kariye, relax ho jaiye ga. Relax after completing it, done.
अब रिलैक्स हो जाए, जल्दी आइए श्रद्धांजलि मैडम, कुछ तो आप जल्दी जल्दी जल्दी। नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते। मेगा कोशिश करो कैमरा ऑन करने की। और अब हम लोग वन हैंड प्लैंक यानी साइड प्लैंक के लिए रेडी हैं, जो कि टारगेट तो हालांकि 90 सेकंड्स का होगा, लेकिन बिगनर्स के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। दे विल सिंपली ट्राई टू डू इट। रितंबरा, रिद्धि, हर्ष एंड शोभा, बेंजी, यू टू। देखिएगा ये पोजीशन होगी आपकी, लेग्स को क्रॉस रखिएगा ऐसे दूर, एंड योर टाइम बिगिंस नाउ। करिए जस्ट गिव इट अ ट्राई। Keep going. करते रहिए, रुकिए मत। Keep going. अभी एक मिनट हो गया है, 34 सेकेंड। कीप ट्राइंग बेंजी मैडम, कीप ट्राइंग अगेन एंड अगेन बाय कीपिंग योर लेग्स क्रॉस्ड हैविंग सम गैप। 9, 8, 7, 6, 5 4, 3, 2, 1 Well done. You don't have to go for that long. You just give it a try to everything and don't bother for the time. Aao ante aao. Aao jaldi aao. तो मैं 7 o'clock निकल जाऊंगी, आपने कहा था ना, रिमाइंड करा। 7 o'clock? हाँ जी सर। हाँ जी गेन। ऑलराइट, जल्दी से वन हैंड प्लैंक करिए। अदर साइड अगेन द सेम वे एंड योर टाइम बिगिंस नाउ। करिए, आइए आइए जल्दी आइए। तो भाई मैडम दो लगाइएगा पूरा। Well done. कहाँ जा रही है मानी, जल्दी करो, करते रहिए रुके मत। Very good. Keep trying. Go on. 1 minute ho chuka hai. 30 more seconds. आपको लेना है
सितंबरा हर्ष रिद्धि शोभा एवरीबडी यू विल बी ऑन योर फोरआर्म्स लेग्स विल बी स्ट्रेट एंड नाउ यू विल ड्रॉप योर नेक एंड ट्राई टू लिफ्ट योर बॉडी एज मच एज पॉसिबल करेगा बीट इज नॉर्मल बट यू आर ट्राइंग टू लिफ्ट योर बॉडी रिलैक्स जाइएगा डन बी रिलैक्स्ड नाउ चलेगा आप खड़े होकर यात्रा शुरू होगी आइए सीधे तारासन से शुरुआत करेंगे जो नीचे हाथ होगा लॉक स्ट्रेट बॉडी स्ट्रेट आर्म्स एंड डीप इनहेल करते हुए टोस पर बॉडी को स्ट्रेच करेंगे ब्रीथ को रोक कर रखिएगा एंड यू आर स्ट्रेच्ड ऑन योर टोस नीचे आइए पहले एंड स्ट्रेट आर्म्स tightly, gradually, exhale करते हुए नीचे once more in the same way, go ahead, deep inhale करते हुए up. Breathe is held, posture is intact. Down. Exhale करते हुए straight arms, straight legs, absolutely deep inhale and deep exhale. Again, Ritambara, Harsh, Riddhi, Shobha, deep inhale and wide deep exhalation. Legs are absolutely straight, what you need to take care of along with your limb. Along with your arms, deep inhale, deep exhale. Keep pushing yourself. Karte rahiyega. Push, deep inhale, and wide deep exhalation. Benzi, go on. Push kariyega, zabardast tarike se Benzi, well done. Go on like this. Beautiful, beautiful. Your legs have to be straight. Your toes are little inward. And first you deep inhale and while deep exhalation, you bend yourself on either side. 7 to 9 times on either side you are doing this. Go on. Very good, Mega. गुनगुन करो बेटा जोर लगाओ और करो और करो
ये मान के चल रहे हैं कि आप 7 to 8 टाइम्स कर चुके हैं, एक बार और करिएगा और फिर रुकिएगा। डू इट वंस स्मॉली एंड देन यू टेक अ ब्रेक। नमस्ते सर। ये नमस्ते, बड़े दिनों बाद आई आप। तो राइट, रिलैक्स। अब आप लोग सभी चेयर पोज के लिए रेडी हैं, उत्कटासन के लिए। जिसको नीज में पेन है वो ये नहीं करेगा, वो ताड़ासन करेगा जो इससे पहले हमने किए है। बाकी आइए, पूरे 90 सेकेंड्स यानी 1.5 मिनट के लिए ये चेयर पोज चलेगा और पूरा बॉडी वेट आपका हील्स पे ही रहेगा। तो आइए जरा देख लेते हैं कैसे करते हैं। मैट के एज पर आना होगा। आइए राजेश जल्दी आइए, और इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि पूरा बॉडी वेट आप हील्स पे ही रखेंगे। रितंबरा, शोभा, बिल्कुल भी नीज पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। देखिए ये आपकी पोजीशन रहेगी, मैट के बिल्कुल एज पर आप आ गए हैं ये, और पूरा बॉडी वेट आपका हील्स पे रहेगा। नीज आपके मैट के अंदर अंदर रहेंगे, पोजीशन के लिए रेडी। सिर्फ और सिर्फ हील्स पर बॉडी वेट, 90 सेकेंड्स टारगेट। And your time begins now. करिएगा, push करते रहिए, keep pushing yourself. Your thighs have to be parallel to the floor, and you're constantly pushing your body weight backward and downward. Go on. करते रहिए, push करते रहिए खुद को। knees पे हमें बिल्कुल भी pressure नहीं चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया, go on. करते रहिए, well done. Keep pushing yourself. बहुत ही मजेदार। Go on. करते रहिए। Thighs and your pelvic region is the target area. Push करते रहिए। Go on. Well done. Beautiful. Go on. Keep going. Push करते रहिएगा। Radesh, well done. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Push करिए और 3, 2, 1. Well done. सिर्फ टारगेट के एरिया था, यहां पर किसी को प्रेशर नहीं आना चाहिए। दिस वॉज द टारगेट एरिया। इसके बाद सभी ट्विस्ट ले रहे हैं, 9 से 10 बार लीजिएगा जबरदस्त तरीके से। लेग्स में एक बार फिर गैप होगा, हाथों को ऊपर लॉक लगेगा, इतना सिर्फ। डीप इनहेल करेंगे और डीप एक्सहेल करते हुए अगेन डीप इनहेल, डीप एक्सहेल करते रहिए। पुश, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। सेवन टू एट टाइम्स कम से कम ऐसा करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए बिल्कुल ऐसे ही। सेवन टू एट टाइम्स, वेरी गुड शिवा, वेल डन, गो ऑन।
वेरी गुड. करते रहो रुको मत. ब्यूटिफुल 7 to 8 टाइम्स पुश करते रहिए. करो 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 करो. कंप्लीट करेंगे अगले 1 मिनट के अंदर अंदर इसको. गो ऑन ऋषभ रिद्धि वेल डन. सॉरी हर्ष वेल डन. वेरी गुड.
ब्यूटिफुल। अगले 30 सेकेंड्स में कंप्लीट करिए। आदित्य वेरी डन। कैसा लग रहा है बहुत दिनों के बाद? ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल बारहवीं में कंपार्टमेंट आ गई हो। नाइन एट कंप्लीट करिए एवरीबॉडी नाउ। सेवन रितंबरा बस और नाइन नॉट मोर देन दैट इट विल गिव यू लॉट ऑफ पेन टुमारो एल्स। सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन डन रिलैक्स। वेल डन कनिष्का ब्यूटिफुल वेरी गुड इमानी। रिलैक्स हो जाइए आप सभी। अब आर्म्स रोटेशनल मूवमेंट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आइए उसको जरा जबरदस्त तरीके से लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें हिप रोटेशनल मूवमेंट लेना पड़ेगा। तो आइए जरा हिप रोटेशनल पहले मूवमेंट लेते हैं और उसके लिए हम जाएंगे सिमरन के पास। सिमरन हिप रोटेशनल मूवमेंट के लिए रेडी? देखिएगा पैरों में इतना गैप होगा। 5 times क्लॉकवाइज 5 times एंटी क्लॉकवाइज। लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। करिए जबरदस्त तरीके से। वेल डन वेल डन वेल डन रितंबरा। पहले ध्यान से देखो, इतना जल्दबाजी नहीं। जस्ट लुक एट दी स्क्रीन फर्स्ट प्रॉपरली। जल्दबाजी नहीं करते रहिएगा। वेल डन। बहुत बहुत बढ़िया। गो ऑन 5 times ओनली। वेरी गुड मेगा। Your legs and your lower back, these are the two target areas which are being covered by these hip rotational movements, clock anti-clock. Rajesh, well done. Complete करेंगे दोनों तरफ 5 times लेने के बाद। We are ready for arms rotational movement. Shubha, well done. Beautiful. क्लैरिटी आ गई है शोभा अचानक की। क्या हाल? आपने मुझे इतना टॉर्चर किया कि मैं सैटरडे ही काम। हाँ बिल्कुल, आपने हमारी आंखों में भी दर्द करा दिया। ऑलराइट डन रिलैक्स। अब आर्म्स रोटेशनल मूवमेंट ले हैं, आइएगा और 5 से 6 तरीके से लेंगे। स्ट्रेट आर्म्स स्ट्रेट फिंगर्स, फिंगर्स में गैप रखिएगा और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट से आप लोग शुरू करेंगे। करिए 20 times बिल्कुल स्ट्रेट आर्म्स।
15 टाइम्स दोनों मूवमेंट्स लीजिएगा। और उसके बाद सीधा स्ट्रेट आर्म पैरेलल टू फ्लोर रखते हुए बिल्कुल ऐसे पीछे लेकर जाइएगा और कोशिश करेगा अगर बैकवर्ड हिट हो जाए लेकिन हाथ ऐसे मुड़ेगा नहीं बिल्कुल स्ट्रेट। बैठिए बैठिएगा। रितंबरा कोई समस्या हुई आपको?
वेरी गुड, इसका मतलब अच्छा कार्य किया आपने। ऑलराइट, दो मिनट के लिए हम लोग रिलैक्स कर रहे हैं और उसके बाद आगे की यात्रा शुरू की। तब तक ले चाहे तो एक से दो से पानी पी सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। राजेश बहुत ऑफ करते हो आप, क्या चक्कर है ये, कैसे बात बनेगी ऐसे? अभी ऑफिस शुरू हो गया क्या आपका? वैसे बाहर ट्रैवलिंग भी थोड़ा सा, इधर व्यस्तता बहुत थी, सुबह निकलना पड़ता था। जी जी, अब मैं थोड़ा फ्री हो गया हूँ। आपने दो हफ्ते पहले भी मुझसे यही बोला था। नहीं अभी तो खैर बिकॉज ऑफ ऑल दिस कोविड ना, अभी बिजनेस वगैरह कंपनीज के इतने इम्पैक्ट हुआ है। हाँ ये बात सही है, तो थोड़ा सा वो प्रेशर एंड एवरीथिंग, और थोड़ा सुबह जाना वो सारा हो रहा है। सेल्स वालों को प्रेशर बढ़ गया है बहुत ज्यादा। यस करेक्ट। चलिए ठीक है, अगले एक मिनट के बाद हम लोग तैयार हैं नाड़ी शोधन से शुरू करने के लिए। तब तक के लिए थोड़ा सा और रिलैक्स कर लें, ब्रीथ को नॉर्मल कर लें, और इसी दौरान क्योंकि समय है कम, काम है बहुत ज्यादा, अब हमें भी डेडलाइन 7:30 डिसाइड करनी होगी। तो इसके लिए आइए थोड़ा बैक पॉस्चर के लिए पहले हम लोग देख लेते हैं। तो रितंबरा, रिद्धि, हर्ष, शोभा, बैंजी, एक बार फिर आप लोग और हम सभी बैक पॉस्चर को लेकर थोड़ा सा करेक्शन कर रहे हैं अपने अंदर। देखिए अभी हम लोग जो बैठे हैं, रिद्धि, रितंबरा, हर्ष, हम लोग ऐसे बैठे थे, अभी आप लोग बिल्कुल रिलैक्स, और आपको लग रहा है रिलैक्स तो वेरी गुड, लेकिन दिस इज क्वाइट डैमेजिंग पॉस्चर। ये बैक में, लोअर बैक में एक कॉन्वेक्स कर्व डेवलप हो गया है बिल्कुल इस तरह से, और अब आपको स्ट्रेट बैक करनी है तो आप इस तरह से कर लेते हैं, विच सीम्स स्ट्रेट बट इट इज इनकरेक्ट। और अब हमें करेक्ट करनी है तो अपने चेस्ट को फॉरवर्ड और थोड़ा अपवर्ड करना होगा, और स्थिति बनेगी ये, एंड दिस इज द करेक्ट पोस्चर ऑफ योर बैक, वेयर योर बैक हैज गॉट इट्स नेचुरल कर्व, बैक के अंदर उसका नेचुरल कर्व आ गया है ये वाला। आपने शुरुआत में ऐसे रखा हुआ था, बाद में आपने स्ट्रेट किया, दिस इज स्ट्रेट बट इन करेक्ट। अब इसको बैक में आप एक नेचुरल कॉनकेव कर्व है, उस कर्व को देने के लिए आपने अपने चेस्ट को फॉरवर्ड और अपवर्ड किया। अगर शुरुआत में दिक्कत आएगी आपको इस तरह से करने में, तो आप एज यूजुअल एज आई टोल्ड यू, यू विल जस्ट गिव अ लिटिल एलिवेशन टू योर हिप एरिया, तो आपको इस तरह से बैठने में दिक्कत नहीं आएगी। द एलिवेशन इज ऑन योर हिप एरिया ओनली, नॉट ऑन योर एंटायर फेस। ऐसे था, ऐसे समझा हमें, करेक्ट है, बट दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट। अब आगे से आप हमेशा इस पोस्चर में बैठने की आदत डाल लें, ये ध्यान रखना है। ऑलराइट चलेगा, अब सीधे आगे बढ़ रहे हैं। आइए जल्दी नाड़ी शोधन की प्रक्रिया, सिमरन प्रिंकी आपको जल्दी निकलना है, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। मुंह के अंदर वायु भर रहे हैं, आप शुरुआत कर दीजिए, आपको तो मालूम ही है। नोज को प्लग कर रहे हैं रितंबरा, रिद्धि, हर्ष, शोभा, बैंजी, एंड देन first you filled your mouth with the air, then you plugged your nose, and after plugging your nose you exerted the pressure outward consciously against your cheeks. Let that pressure be there for 15 to 20 seconds and then you release the air as well as pressure through your nose. So in a simple way, you inhaled from your mouth and exhaled from nose. Kareem. जबरदस्त
तरीके से प्रेशर रिलीज करेगा थ्रू योर नोज। तैयार हो जाओ आदित्य, गेट रेडी करो। अच्छा आवाज नहीं आ रही, करो। चार बार जबरदस्त तरीके से ऐसा ले रहे हैं, करिए राजेश, वेरी गुड। बड़ा ही मजेदार सा एहसास है अगर आपने अच्छी तरह प्रेशर डेवलप किया है एंड यू आर होल्डिंग दैट प्रेशर फॉर 15 टू 20 सेकंड्स। सीधे अपने कानों को क्लब कर रहे हैं, बैक को स्ट्रेट रखेंगे कनिष्ठा थ्रू आउट। हमेशा ये हैबिट डाल लीजिए, बैक बिल्कुल अब स्ट्रेट रहेगी, चेस्ट फॉरवर्ड एंड अपवर्ड रहेगा ऑल ओवर अगेन। नाउ दिस टाइम यू आर प्लगिंग योर इयर्स एज वेल अलॉन्ग विद योर नोज। तो प्रोसेस ये रहेगा, ब्यूटिफुल रितंबरा, वेरी गुड वेरी गुड, करते रहिए, गो ऑन। वेल डन, चार बार करने के बाद ही रुकेंगे। नाड़ी शोधन की प्रक्रिया बहुत ही दुर्लभ है, नाड़ियों का शुद्धिकरण चल रहा है, इट्स एक्सट्रीमली रेयर टू डू इट। करिए, करते रहिए, रुके मत। बहुत ही दुर्लभ, चार चार बार करने के बाद रुकेगा। सीधे शीतकारी प्राणायाम के लिए रेडी हैं, आपके टीथ और गम्स और जॉज के लिए। रितंबरा, वृद्धि, हर्ष, एवरीबॉडी, टिप टू टिप अपने अपर एंड लोअर जॉ के टीथ को प्लेस करेंगे, दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस करेंगे जबरदस्त तरीके से और कॉन्स्टेंट इनहेल करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं,
करिए प्रेशर प्रेशर रितंबरा प्रेशर दो, वो गले में यहां सब प्रेशर नजर आना चाहिए, जैसे दांत एक दूसरे से तोड़ देंगे करके करिए। एक्सेल मूव से हो रहा है, कांस्टेंट मूव से आप इनहेल कर रहे हैं। प्रयास जबरदस्त, एक बार फिर बिल्कुल ऐसे ही लेने के लिए हम तैयार हैं, करते रहिए। रिलैक्स, नाड़ी शोधन की प्रक्रिया के अंतिम चरण में हम लोग आ गए हैं और सिंह नाद के लिए अब रेडी हैं। आइए कमरा पहले नाम से देखिए, वैसे ही रेडी हो जाइए। टोस पर इस तरह से पहले आपको आना है, ये आपकी पाम्स की पोजीशन रहेगी, वेयर यू आर एक्सपोजिंग योर रिस्ट एंड योर पाम्स आर टर्न्ड इनवर्ड। टोस पर आपकी बॉडी है, डीप इनहेल करेंगे, मैक्सिमम टंग बाहर होगी, गर्दन थोड़ी सी ऊपर की ओर रहेगी और मैक्सिमम आप क्षमता अपनी अधिकतम क्षमता के साथ आप आवाज निकालेंगे। आइए लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। स्टोरिंग थायराइड साइनस टॉन्सिलाइटिस विशेष रूप से इंपॉर्टेंट, करिए। स्वैलो करते रहिएगा, गला ड्राई ना रखें, अदरवाइज खांसी आपको बहुत आएगी। कीप योर थ्रोट मॉइस्ट एल्स यू विल कॉफ अ लॉट, करें। प्रयास होना चाहिए, ला दीजिएगा पूरा सिस्टम 3-4 टाइम्स अपनी मैक्सिमम क्षमता के साथ, करने के बाद रुकिएगा। हो गया आदित्य डन, ऑलराइट रिलैक्स हो जाइए सभी। Be relaxed. अब आगे की यात्रा के लिए हम लोग रेडी हैं। तो यहां पे ये चरण पूरा होता हुआ नाड़ी शोधन का, सीधे उद्यान बंद के लिए अब तैयार है। करेगा
देखेगा रितंबरा हर्ष दी शोभा डीप इनहेल देन यू डीप एक्सहेल वंस यू हैव डीप एक्सहेल ब्रीथ को रोकेगा एंड देन यू होल्ड योर ब्रीथ एंड देन यू स्क्वीज योर कॉन्ट्रैक्ट योर एब्डोमेन एंड होल्ड द पोस्चर जबरदस्त तरीके से आपको करना है। सेवन टाइम्स पहले इस तरह से कर रहे हैं सिमरन एंड रिंकी, करें सात बार और इसके बाद तुरंत आप सात बार करने के बाद ऊंचे प्राणायाम में दोनों आगे बढ़ जाएंगे, बाकी हम लोग कुछ और करेंगे। करते रहिए ऑल ओवर अगेन रितंबरा रिद्धि हर्ष शोभा, किसी को सब मैडम क्या कर रही हो, शोभा मैडम अग्नि सार नहीं करना, आप ध्यान से देख नहीं रही हो, पहले ध्यान से देखिए समझिए। डीप इनहेल यू डीप एक्सहेल वंस यू हैव कंप्लीटली एक्सहेल और यू हैव टेक हैव गॉट ऑल द एयर आउट ऑफ योर बॉडी देन यू होल्ड योर ब्रीथ एंड कॉन्टैक्ट योर एब्डोमेन एंड जस्ट बी देयर, डोंट डू एनीथिंग एल्स, स्टॉप। शुभा को पकड़ने के लिए नहीं बोला मैंने पेट इस तरह से, आई जस्ट शोड यू दैट देयर इज नो एब्डोमिनल मूवमेंट बिकॉज यू आर मूविंग योर एब्डोमेन इन एंड आउट लाइक अग्निसार क्रिया अर्लियर, राइट? सो यू हैव टू होल्ड द पोस्चर एज वेल बाय होल्डिंग योर ब्रीथ आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। करते रहिएगा तमरा, समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं? गुड रिद्धि हर्ष आर यू गेटिंग इट व्हाट वी आर डूइंग? ऑलराइट, करिए एक बार दोनों करिए। हाथ लगाइए, हाँ वेरी गुड, ब्रीथ इज हेल्ड, वेल डन, ब्यूटिफुल। ऑलराइट Ritambara, I hope you are getting it what we are doing. All right? If there is any confusion, you ask. Shubha, koi confusion to nahi hai? Karte rahiyega sabhi. Benji, go on. Well done. Beautiful. Deep inhale, then deep exhale. You hold your breath, contract your abdomen and hold the posture. You do like this seven times and then bring it in. जिन लोगों को जल्दी निकलना है बहुत, वो सीधे इसके बाद उठेगी और आगे बढ़ेगी आप दोनों सिमिलर टाइम लेंगे। All set? ये मान के चल रहे हैं कि पांच से छह बार आप कर चुके हैं, एक एक बार और पहले इसको लेंगे और उसके बाद इसमें इनहेल यानी एक्सपेंड करने के बाद एब्डोमेन को भी होल्ड ऐड करेंगे। आज एब्डोमिनल ब्रीदिंग पर विशेष फोकस रखना है तो ये पहला चरण है। आइए एक बार और इसी को रिपीट कर लेते हैं जो भी किया है अंत में, जिसको डाउट हो एक बार फिर देख ले।
वेरी गुड सिमरन जी, आप उज्जय करेंगे दोनों अगले पूरे 5 मिनट के लिए। बाकी अब हम लोग जो वेन यू आर अनलॉकिंग द एब्डोमिनल लॉक, ये उड्यान बंद आप कर रहे थे जिसे एब्डोमिनल लॉक भी बोलते हैं, तो आप अपने एब्डोमेन को पूरा फिल कर रहे हैं, एब्डोमिनल इनहेल से आपने एब्डोमिनल लॉक को ओपन किया है, फिर दोबारा वहां पे भी रुक जाएंगे। तो देखिएगा जो लोग बिगनिंग में, एक बार पहले ध्यान से देखिए उसमें अब क्या ऐड किया है, उसी में एक्सटेंशन है, सुजाता रेडी हो जाइएगा, कंप्लीट करने के बाद रिलैक्स हो जाइए और रेडी हो जाइए। रितंबरा, रिद्धि, हर्ष एंड बेंजी, जस्ट लुक इट, look at it once, deep inhale, deep exhale, now you hold your breath and contract your abdomen, this is abdominal lock which you have been putting already, now as I complete my countdown, she will unlock it by inhalation and fill her abdomen and again hold, 5, 4, 3, 2, 1, inhale, she has filled her abdomen by inhalation and now again holding the breath along with extended abdomen. Earlier you held the breath with contracted abdomen, this time you are holding your breath with expanded abdomen. Now 5, 4, 3, 2, 1, she will exhale and relax. All right. I hope you must have got it a bit. Ek baar phir, I repeat it once. What you have just seen, just see again. Riddhi, did you get it? All right, Bansi, did you get it? Not fully, sir. Not fully, no problem. We will again get it. Simran, what happened? Namaste, sir. All right, namaste. All right, once more. This time we are going to Aditya's place where the clarity is quite good. Aditya, ready you go. Bansi, you just look at it once more. All right, Aditya, थोड़ा आगे आ सकते हो क्या स्क्रीन की तरफ, थोड़ा सा और आगे। हाँ बस बस, क्या बात है आदित्य, ब्यूटिफुल। एक बार जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे करेगा। बेंसी, नाउ वंस मोर, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, यू होल्ड द ब्रीथ एंड कॉन्ट्रैक्ट योर एब्डोमेन। यस, द ब्रीथ इज हेल्ड एंड ही हैज कॉन्ट्रैक्टेड हिज एब्डोमेन कंप्लीटली। दिस इज Uddiyan Bandh abdominal lock. Now, how you unlock it? By inhalation through abdomen. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale abdominally. He has filled his abdomen
एंड अगेन होल्ड द ब्रीथ. Now this time the breath is held with the extended abdomen. Earlier it was with the contracted one. 5, 4, 3, 2, 1. Relax. While exhalation, you relax. Bansi, did you get it? Yes, sir. All right. So we are doing it 5 times, 5 to 6. Yes, Ankur. Namaste, sir. Namaste. All right. नमस्ते सर. नमस्ते. नमस्ते सुजाता. कहीं ऐसा तो नहीं टाइम मशीन लग गई है दूसरों के यहाँ, 7 के बजाय 8 बजा ली है. ऑलराइट, चलेगा. बस रिलैक्स. अब आगे की यात्रा में हमें बढ़ना होगा. अब हम लोग सभी लेने वाले हैं मंडूकासन. उसके बाद हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग में दोबारा लौट कर आएंगे. आइए पहले मंडूकासन करें. वज्रासन पोजीशन इफ यू डू नॉट हैव नी प्रॉब्लम. देन सी इफ देयर इज नी प्रॉब्लम देन यू विल नॉट सिट लाइक दिस. यू विल सिंपली बी इन योर अर्लियर पोजीशन. नाउ मेक योर फिस्ट पोस्चर लाइक दिस. योर थंब इज इनसाइड. You keep or you place your both fist on either side of your navel. You are not pressing your navel on either side of your navel. And first of all, you will put the abdominal lock, and in the suction cup, you place your fist and then come down. Light. Once you come down, you make your breath long. Seconds and then you come back. What happened, Harsh? Any problem? Mandukasan, very good for our pancreas. Once more, in the same way, first you put the abdominal lock, and after abdominal lock, the suction cup which is created, you placed your both the fists on. Then you came down. After coming down, you make your breath normal and focus on your navel. All over again.
डू इट थ्री टाइम्स करते रहिए. वेल डन शोभा एनी प्रॉब्लम करिए 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 रुकिए मत. थ्री टाइम्स करने के बाद रुकेगा. Well done. Beautiful. क्योंकि आपको 7:15 निकलना है. ऑलराइट, रिलैक्स हो जाइएगा 3-4 टाइम्स करने के बाद. अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और क्योंकि आप उज्जैन कर चुके हैं ना, आप अग्नि सार क्रिया में आगे बढ़िए और हम लोग उज्जय करेंगे. तो आइए कंप्लीट करने के बाद वी आर रेडी फॉर द उज्जय प्राणायाम. आजकल थायराइड के लिए बहुत इसकी जरूरत है. तो स्ट्रेट बैठिएगा बिल्कुल और इनहेल करते हुए यहां गले पर फोकस रखेंगे और एक साउंड प्रोड्यूस करेंगे. फोकस सिर्फ और सिर्फ थ्रोट एरिया पे होगा, कुछ ऐसे. ध्यान से देखिएगा. आपने किया है पहले कभी? तो फिर तो डाउट है हमें कि आप सही कर रही हैं गलत. रिद्धि हर्ष क्लियर है आपको क्या करना है इसमें? ऑलराइट बेंसी, इज देयर एनी डाउट इन इट? इज देयर एनी डाउट बेंसी? ऑलराइट, सो जस्ट यू नीड टू कम क्लोजर टू द स्क्रीन. यू नीड टू कम क्लोजर टू द स्क्रीन so that we can see you as well as I can, you can also see us properly. So once more, what we are doing, we are just relaxed. First of all, focusing here, you just see this portion of my throat. It is going to have a consistent suction and that suction will produce the sound while inhalation. How? Inhaling and having a suction here in the throat area that is producing the sound like this. Just try to do it, Benzi. Ritambra, then I am coming to you. Baki aap log sabhi karte rahiyega. Pinky, aap seedhe agni sakriya mein aage badhti rahengi. Mega, karte rahao, karne mein dhyan lagao. Everybody is doing it. Kari, Benzi. Once more, Benzi, relax. Relax, Benzi, first of all, relax. And then do it once more. I cannot hear the sound, whether it's coming out or not. No problem, but it seems that you are in the right direction. All right, let's first see the Ritambara. Ritambara, बिल्कुल आप ऐसे करें जैसे साध्वी Ritambara ध्यान मुद्रा में चली गई हो गर्दन ऊपर करके. यहाँ पे और कोई नहीं जानता होगा साध्वी Ritambara के बारे में, किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा. माइक ऑन करिए Ritambara, यू पुट योर माइक ऑन. अब करिए
आप इनहेल कर रहे हैं, इनहेल या इनहेल करने के बाद कर रही हैं? इनहेल करने के नहीं, इनहेल करने के बाद नहीं करना है। दोबारा देखिए क्या करना है, आवाज जो है वो मुंह से नहीं निकालनी है, आवाज सक्शन के दौरान निकलेगी। बेंजी रिकमरा बोथ फोकस ऑल ओवर अगेन हियर, बॉडी इज एब्सोल्युटली रिलैक्स नाउ, ओनली फॉर 2 seconds यू जस्ट सी। हल का समूह देखिए ओपन किया है आपको दिखाने के लिए। आई हैव जस्ट पुट माय माउथ अ लिटिल बिट ओपन, हाउ जस्ट टू शो यू द साउंड इज नॉट कमिंग थ्रू द माउथ और थ्रू द टंग, द साउंड इज कमिंग थ्रू द वोकल बॉक्स। करिए to produce this sound. Keep going, करते रहिए। बाकी आप सभी जिसको गर्दन की समस्या नहीं है इसमें चिल्लॉक ऐड करेंगे तो आपकी बार टारगेट 10 to 15 seconds का रख रहे हैं। रितम्रा एंड बेंसी यू कीप ट्राइंग, डोंट वरी इट माइट नॉट बी राइट इन दी वन गो बट इट विल बी सेकेंड नेक्स्ट टाइम, डोंट वरी गो ऑन चलेगा। बाकी सभी नमस्ते, वेरी गुड। बहुत ही दुर्लभ है एक्सट्रीम स्ट्रेच ऑन थ्रोट एरिया, एक बार फिर इसको ले रहे हैं, इसकी वैल्यू समझिएगा। जिसको गर्दन की समस्या है वो इसको अटेम्प्ट नहीं करेगा, एल्स यू विल अटेम्प्ट इफ यू डू नॉट हैव द नेक प्रॉब्लम ओनली। बेंजी यू कीप ट्राइंग, रितम्रा यू कीप ट्राइंग, डोंट वरी, हम लोग उसको कल वी विल डिस्कस अबाउट इट टुमारो एज वेल विद यू टू। Else, let's go. Great. Once more, this is the last time. Harshit, karte rao, straight body. बहुत ही बढ़िया। ऑलराइट, मेघा समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं? हफ्ते में 2 दिन आती हो तो इसलिए पूछना पड़ रहा है ना मेघा? भूल हो जाती है ना, भूल हफ्ते में एक एक दो दो दिन आओ तो बेशक सालों साल से कर रहे हो फिर भी। ऑलराइट, गुनगुन कहां चली जाती हो इतनी देर के लिए? बेटा कहां घूमने गए थे जल्दी से बताओ, माइक ऑन करके जल्दी जल्दी बताओ, माइक ऑन करके कहां घूमने गए थे गुनगुन? अर्शिद
जल्दी से माइक ऑन कराओ। क्या बेटा? पानी पीने। हाँ पानी पीने चलेगा चलेगा, लेकिन रोज आना ऐसे ही, ठीक है? हाँ। बेशक रजाई लेके बैठो लेकिन रोज आना। वेरी गुड। कल गुनगुन ने पता है एक सबको बहुत अचरज वाली बात लगेगी, जब हमने मेडिटेशन सेशन किया था गुनगुन बहुत देर गुनगुन ने वो अटेंड किया था एंड दैट टू अलोन। क्या बात है गुनगुन, वेरी गुड। चलेगा आगे, अब बढ़ने का समय आ गया है। अब हम लोग एब्डोमिनल ब्रीथ लेंगे बैक टू बैक 25 to 30 साइकल्स। जो लोग बिगिनिंग में है जैसे कि ऋषभ, हर्ष, रिद्धि, बेंजी, रितंबरा, पहले आप आराम से देखिएगा 10 साइकल्स में बैक टू बैक लूंगा, आप देखिएगा जो भी तक हमने किया है इसी का यूज होगा लेकिन एक रिदम में होगा। और इसमें क्या होता है कि अभी तक आप सिर्फ चेस्ट ब्रीदिंग लेते हैं, उसके बाद हम आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली एब्डोमिनल ब्रीथ भी करेंगे। बाकी एक बार 10 साइकिल्स लेते हुए आप पहले मुझे देखिए, जिसमें डीप इनहेल होगा, डीप एक्सहेल होगा, ब्रीथ को रोककर सिर्फ 2 से 3 सेकंड्स के लिए ब्रीथ को रोकेंगे और फिर एब्डोमेन का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होता रहेगा, ठीकेगा? अब अभी तक आप अपने जो डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते हैं वो इस तरह से करते हैं, आपका चेस्ट अप एंड डाउन होता है। अब देखिएगा चेस्ट स्टेशनरी हो जाएगा, ओनली योर एब्डोमेन विल मूव इन एंड आउट। आप लोग कंटिन्यू करेंगे 25 to 30 साइकिल्स। रितंबरा, डिड यू गेट इट समथिंग? नहीं समझ में आया? कोई नहीं, अब इसको दूसरे तरीके से समझ रहे हैं। रिद्धि, हर्ष, बेंजी एंड रितंबरा अलोंग विद यू शोभा, देखिएगा अभी अपने एब्डोमिनल ब्रीथिंग को पहली बार आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, इसमें गौर किया होगा। एज बाय डिफॉल्ट वी ऑलवेज हैव अ चेस्ट और द थोरैसिक ब्रीथिंग, तो आइए जरा लेट कर आप लोग कंटिन्यू करिएगा जिससे बात मालूम है, अदरवाइज सिर्फ इनके लिए लेट कर एक बार उसको थोड़ा सा उसको डिस्टिंक्शन दे रहे हैं। देखिए होता क्या है, जब आप लेट कर अगर आपसे बोला जाए दैट यू आर सपोज टू नाउ डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, सो बाय डिफॉल्ट हाउ वुड यू डू? बेंजी जरा लुक प्रॉपरली करें, once more just look, your chest is moving up and down, how? Now my chest will be stationary and I will simply use my abdomen only. Now earlier it was, now this is what you need to do. Pehle lay kar ek baar karke dekhiye, first you do it in the lying position so that you understand the distinction. Bhagvi, Harsh, Riddhi,
If you have any doubt, just try to do it in the lying position. Just try to do it. बाकी आप लोग abdominal breathing continue करिए. Go on. Well done. शुभा कर लो. अरे भाई लेट कर एक बार करके देख लो. ये बिना उसके आपको समझ में नहीं आ पाएगा. बिकॉज बाय डिफॉल्ट हम बहुत जबरदस्त तरीके से थोरैसिक ब्रीदिंग करते हैं. बेंजी कमिंग टू यू. कैरी ऑन. गो ऑन बेंजी. बेंजी वेरी गुड. वेल डन. Quite good. Focusing your abdomen only and you are simply utilizing your abdomen. Himani, koi doubt to nahi hai? Rajesh, any doubt? Kisi ko bhi koi doubt ho to zarur batayega. Ritambra, you go on. Shubha, koi doubt nahi hona chahiye. Riddhi and Harsh, is there any doubt? Karte rahiyega abdominal breathing. Cyclically, and we have almost, I'm sure you have done almost 20 cycles, 5 to 7 cycles. Aur kariye ek baar phir saath mein karte hain, complete karte hain. Baki aap log lying position mein you continue with it so that your mind is connected with your abdomen. राजेश क्लियर है ना क्या कर रहे हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग में? बहुत इंपॉर्टेंट है. बाय डिफॉल्ट हम हमेशा थोरैसिक यानी चेस्ट ब्रीदिंग करते हुए आ रहे हैं सालों साल हजारों साल से. अब समय आ गया है एब्डोमिनल ब्रीद करने का. श्रद्धांजलि मैडम क्लियर है नाम क्या कर रहे हैं? ऑलराइट. कुछ तो आपको रवानगी दे दी आपने, कुछ तो आपको भेज दिया. अच्छा यहीं पर है. ऑलराइट रिदम्ब्रा डिड यू गेट इट टू सम एक्सटेंट? फर्क पता चला आपको एब्डोमिनल और थोरैसिक ब्रीदिंग में? ऑलराइट रिलैक्स हो जाइए. और अब हम लोग भ्रामरी ले रहे हैं अपने को खुद को रिलैक्स करने के लिए. फाइव साइकिल्स पहले आइए और फिर उसको कंप्लीट करेंगे. अब टारगेट 7:30 का हमें रखना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ जाएंगे देख लेंगे. आइए भ्रामरी ले रहे हैं. फर्स्ट यू डीप इनहेल एंड यू कट योरसेल्फ फ्रॉम द आउटर एटमॉस्फेयर बाय प्लगिंग योर ईयर्स एज वेल एज आईज एंड देन यू हम.
Keep going 5 times. Go on. शुभा समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? करते रहिए फिर राम जी बोलते हैं इसको। डबल चिन तो वैसे ही गायब हो जाएगी आपकी, डोंट वरी। डबल चिन तो छोड़िए, सिंगल चिन है ये भी गायब हो जाएगी। ठीक है, मुझे एक महीने बाद चली जाने की। इतनी प्रोमिनेंट गर्दन हो जाएगी आपकी सुराही जैसी। करिए ऐसा कर डालिएगा। पांच बार करने के बाद सभी रुकेंगे और हम पूर्ण करेंगे फिर आप। ऑलराइट, अब देखिएगा इसके बाद आप ओम का उच्चारण ले रहे हैं, अब हम ओम कर रहे हैं इसको, लेकिन आज टोटल 6 बार ओम का उच्चारण लेंगे। पहले 3 बार ओम के उच्चारण में आप खेचड़ी मुद्रा का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आप अपनी टंग को अपने पैलेट से टच कर लेंगे, अपने तालुए से। पहले डीप इनहेल करेगा, टंग को पैलेट से टच करेगा। यू टच योर टंग विद योर पैलेट एंड देन यू सिंपली डू ओम इन हमिंग वे। ऐसा 3 बार करेंगे, थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा, उसके बाद नॉर्मल तरीके से लेंगे। तो आइए जरा एक बार देख लेते हैं। आपको वायु मुद्रा लीजिए आज। रिंग इंडेक्स फिंगर यू पुट एट द ओरिजिन ऑफ योर थंब लाइक दिस। ऑलराइट, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल 3 टाइम्स इन खिचड़ी मुद्रा। डीप इनहेल उच्चारण पहले की तरह। डीप इनहेल
हीट आ जाए तो बेहतर। चेहरे की मसाज, गर्दन की मसाज, ऊपर से नीचे गर्दन, पीछे जी मैडम 7:30 करना पड़ेगा क्योंकि काफी। नमस्ते सर। थैंक यू सर। नमस्ते सर। थैंक यू सर। नमस्ते सर। सर ने जो वो करा। बाय सर। जी जी नमस्ते। बाय बाय सर। कल थोड़ा शायद मैं आ नहीं पाऊंगा। क्या बोल रहे हैं? कल मैं नहीं आ पाऊंगा सर, वो वापस आऊंगा ना। ओके ओके ऑलराइट। नमस्ते। थैंक यू सर। जी सर नमस्ते। जी जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते सभी को। यस सुनिए मैडम बोलिए। इसमें जो ओम में पहले करवाई थी क्या बोलते हैं उसको, खिचड़ी मुद्रा? खिचड़ी। सर टंग ट्विस्ट करके लगानी है, स्ट्रेट रखनी है ऊपर तक? वो एक ही तरीके से लगेगी। नहीं सर मतलब मैं समझ नहीं पा रही, जैसे हैं ऐसे ऐसे जैसे अब जैसे किया हुआ है। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू सर। ऑलराइट नमस्ते।